रायगढ़ के खाद को लेकर भाजपा का गुस्सा फूटा है। रासायनिक खाद की किल्लत को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम कर रहे 200 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भाजपा नेता ओपी चौधरी, जिला भाजपा अध्यक्ष उमेश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल जिले भर में रबी फसल के लिए किसानों को हो रही खाद की किल्लत को लेकर भाजपा ने शुक्रवार को रायगढ़ सारंगगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 153 पर चक्का जाम कर दिया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। रायगढ़ जिले में और पूरे छत्तीसगढ़ में किसी भी सोसाइटी में किसानों के लिए खाद उपलब्ध नहीं है, चाहे यूरिया हो, चाहे सिंगल सुपर फास्फेट हो, चाहे डीएपी हो, कोई भी खाद उपलब्ध नहीं है। और एक तरफ सोसाइटी को देने के लिए इनके पास खाद नहीं है, लेकिन कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल की सरकार व्यापारियों को कालाबाजारी में खाद देने के लिए इनके पास है। तो पूरी तरह से यूरिया में कालाबाजारी और माफियागिरी चल रही है, इसी के विरोध में मजबूरन आज हमको चक्का जाम करना पड़ा। पुलिस ने हमको जबरन उठा करके गिरफ्तार किया है। किसानों के लिए हम ये आंदोलन लड़ते रहेंगे, सड़क की लड़ाई लड़ते रहेंगे, हर वर्ग के लिए विपक्ष के रूप में ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। धरना समाप्त करवाने पहुंची पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी, लेकिन कार्यकर्ता आंदोलन में डटे रहे, जिसके चलते पुलिस को जबरदस्ती प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाना पड़ा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झूमा झपटी भी हुई और पुलिस को कई भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना पड़ा, जिसके बाद तो भाजपा कार्यकर्ता आपे से बाहर हो गए और प्रदेश सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। किसानों के यूरिया की जो कमी है, जो कालाबाजी करने के लिए काल्पनिक कमी भूपेश सरकार ने करी है, उस कमी को लेकर के किसानों के साथ में जिला भारतीय जनता पार्टी आज यहां पर किसानों और खाद बीज के संबंध में आज यहां पर धरना प्रदर्शन कर रही थी, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि भूपेश सरकार कैसे अपनी दमनकारी नीति से पुलिस वालों को आगे करके हम सभी आम कार्यकर्ता और सभी किसानों को जेल में भर रही है। हमारे नेता ओपी चौधरी को, हमारे नेता उमेश अग्रवाल को, गुरपाल भल्ला को, विवेक रंजन सिन्हा को, महिलाओं को बलात् यहाँ से पुलिस उठा करके ले जा रही है। सारे के सारे नेता और सारे किसान कार्यकर्ताओं को यहां से पुलिस उठा करके ले जा रही है। गिरफ्तारी की जा रही है। भाजपा का कहना था कि सरकार आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी नीति अपना रही है। राज्य सरकार को किसानों की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। भाजपा के मुताबिक समितियों में खाद नहीं है और भूपेश बघेल की सरकार कारोबारियों को कालाबाजारी के लिए खाद दे रही है। इसमें भूपेश सरकार के द्वारा हम सबको गुंडागर्दी करके पुलिस को आगे करके सबको गिरफ्तार किया गया है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और भूपेश सरकार को चेतावनी देते हैं कि आज इस गिरफ्तारी से आंदोलन दबेगा नहीं, रुकेगा नहीं। हम पुरजोर होकर पुनः इस आंदोलन को उग्र करेंगे और मैं जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का विरोध करता हूं कि आज हमें गिरफ्तारी करके एक स्कूल में लाया गया, जबकि यहां परीक्षा चल रही है। इस परीक्षा वाले स्कूल में गिरफ्तार करके शासन को लाना नहीं चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है कि नेशनल हाईवे को कोई नहीं रोक सकता, जिसके चलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हुई है। आज रायगढ़ जिले के कोना तराई में अपनी मांगों को लेकर भाजपा के पदाधिकारी सड़क पर बैठ गए थे। उनको समझाइश दी गई और कि रोड पर ना बैठे, क्योंकि आवागमन बाधित हो रहा था, और उनको समझाइश देने के बाद नहीं माने तो उनको एहतियात के तौर पर बस में बिठा के ले जाया गया है। उनको जो भी वैधानिक कार्रवाई फॉर्मल की जाएगी और समझाइश में कुछ लोग मान गए हैं, कुछ लोग को गाड़ी में बिठा के ले जाया गया। हाँ, अनुमति, चूंकि कोई भी एनएच को रोक नहीं सकता, अनुमति हो या ना हो उसमें कोई अनुमति दे ही नहीं सकता, तो सड़क पर बैठ गए थे इसलिए उनको हटाया गया। हाँ, उनको फॉर्मल स्कूल ले जाया गया है, समझाइश देकर छोड़ दिया जाएगा। लिहाजा भाजपा का कहना है कि किसान त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन सरकार आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। भाजपा किसानों के हित में लड़ाई जारी रखेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रायगढ़ से पुनीराम रजक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।